हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास है अपाचे आरटीआर 180। देखिए इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्ट ले रहा है लेकिन रेस नहीं ले रहा है। तो पहले आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दे इग्निशन स्विच ऑन है, अभी स्टार्ट दे रहा हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया, अभी रेस देने का टाइम। देखिए अब बंद हो गया, फिर से आपको देखे दिखाने की कोशिश करो। देखिए देखिए देखिए, ये जो इस तरह प्रॉब्लम क्यों होता है, तो आज इस वीडियो के जरिए से जो दोस्त काम सीख रहे हैं वो दोस्त के देखने वाला हूँ, और जिसके पास यहाँ से आरटीआर बाइक है वो दोस्त भी देखिए, और मिस्त्री दोस्त को पता ही है ये प्रॉब्लम किस लिए आता है और कैसे सॉल्व करना है। मैंने जो प्रॉब्लम दिखाया उसके लिए मेरे को पहले चेक करना चाहिए पेट्रोल फ्यूल ठीक है कि नहीं है, वो मेरे को चेक करना है। फ्यूल के साथ पानी आए तो इस तरह प्रॉब्लम आता है। तो पहले इस पाइप को बाहर कर लेता हूँ। बाहर करने के बाद यहाँ से पानी आ रहा है कि वो देखना है। ये इसमें तो पानी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद ये नीचे वाला फ्यूल का की का ये नीचे भी खोल लेना है। देखिए ये तो खुलने का काम हो गया, अभी इसमें पानी है कि नहीं है। देखिए इसमें पानी नहीं है, कुछ कचरा है, ये कचरा को साफ साफ करके फिर से सेट कर देता हूँ। उस देखिए ये सेट क्या हो, अभी थोड़ा इसको लूज करके देख रहा हूँ इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें पानी तो नहीं है। देखिए ये कार्बोरेटर के अंदर जितना पेट्रोल है ये टोटली बाहर करने के बाद अभी इसको फिर से सेट कर लेता हूँ। अभी टोटल कार्बोरेटर का बाहर कर लेता हूँ। पहले ये होस को खोल लेता हूँ, उसके बाद ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट देकर देखता हूँ इसका जो अभी टोटली छोड़ देता हूँ। सुनने के बाद ऐसे से बंद करता हूँ, बंद हो गया। अभी स्टार्ट देखिए इसका जो प्रॉब्लम हो, देखिए अभी देखिए अभी ये कार्बोरेटर खुल गई, यहाँ से एयर प्रेशर देना है और स्लो जो टोटली क्लीन करना है उसमें भी थोड़ा एयर प्रेशर देना है। एयर प्रेशर दे के सेट करता हूँ, और सेट करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्त इसका जो प्रॉब्लम ये ऑयल के वजह से प्रॉब्लम है। देखिए इसमें गम की तरह ये देखिए ये टोटली देखिए काम की तरह लग रहा है। ये टोटली साफ सफाई करने से इसका जो प्रॉब्लम वो जरूर सॉल्व होना चाहिए। अभी ये टोटली साफ सफाई कर लेता हूँ। इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है पूरा गम, देखिए ये पेट्रोल सही न डालने की वजह से इस तरह प्रॉब्लम आया है। देखिए अभी ये दोनों जेड को भी सफाई कर लेना चाहिए, इसका जो हालत ये सही नहीं है इसलिए टोटली गम हो गया पेट्रोल के साथ।
देखिए ये भी खुलने का काम हो गया। देखिए दोस्तों इसका इसका हालत भी देखिए, देखिए ये प्लास्टिक हो गया, ये जो होल्ड ये सही नहीं है, ये टोटली क्लीन कर लेता हूँ। देखिए इसका होल जितना है ये भी सही नहीं है, ये भी क्लीन कर लेता हूँ। देखिए एक क्लीन हो गया, अभी दूसरा को क्लीन कर लीजिए इस तरह से, सेम प्रोसेस, एक एक करके इस होल को क्लीन कीजिए। अभी देखता हूँ, एक क्लीन करने के बाद आपको दिखाता हूँ सेट करके। ये हो गया, अभी टोटली सेट कीजिए। ये सेट हो गया, अभी फ्यूल टैंक को भी सेट कर लेता हूँ। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। इस वीडियो के जरिए से मैंने जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूर अच्छा लगा होगा। पेट्रोल पेट्रोल पंप से ही डालना चाहिए, नहीं तो लोकल मार्केट से पेट्रोल लेने से इस तरह प्रॉब्लम जरूर आएगा। आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।